संडे को खिचड़ी, नो वेज। संडे को तो होना चाहिए कुछ स्पेशल। ओ ओ, यहाँ तो बात हो रही है इमली की कहानी की, तो चलिए पता कर आते हैं कौन सी नई खिचड़ी पक रही है यहाँ, क्योंकि ये भी लेकर आ रही होंगी हमारे लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट। बंदूक की नोक पर इमली, इमली की चालाकी, अथर्व बनेगा रक्षक। स्टार प्लस के सीरियल इमली में चीनी और इमली ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं, जहां पर कुछ गुंडे आकर ज्वेलरी शॉप को बंधक बना लेते हैं, जिसमें इमली और चीनी के साथ कई लोग फंस जाते हैं। बंधक बनने के बाद भी भाई चीनी तो चीनी ठहरी, गुंडों के बीच भी उसकी अकड़ कम नहीं होती है और वो अपने होने वाले पति के बारे में बताती है, और तभी गुंडों को गुस्सा आ जाता है। चीनी की बातें सुनकर गुंडों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इमली गुंडों से माफी मांगती है। भाई यहाँ भी दोनों बहनों की तू तू मैं मैं चालू ही है। इसलिए इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। मैं बाद में सोचूं तो बहुत एक्सपर्ट और कोई काम में से कम ये काम तो हमसे कर लीजिए। भाई ये क्या, गुंडों के बीच फंसकर भी इमली गुंडों को सैंडविच देती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। क्या दावत चल रही है? दावत चल के आप कहीं और से खा लेते हैं? नहीं, मैं तो इन सारे से खाते आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इमली गुंडों की खातिरदारी नहीं बल्कि उसने कुछ प्लान किया है, ताकि वो अपने साथ साथ फंसे हुए लोगों को भी बाहर निकाल सके। लेकिन तभी अथर्व पुलिस और गुंडों को चकमा देकर इमली को बचाने के लिए आ जाता है। अरे भाई चीनी, आपका आशिक तो नहीं आया, लेकिन इमली का प्यार अथर्व जरूर आ गया है इमली को बचाने के लिए। हर हफ्ते एक ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी के बाद घर में पूजा होती है। तो अभी एक ट्रेजेडी हुई है कि मॉम और इमली जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, वहाँ पे चीनी और उसकी फैमिली भी आई होती हैं टू बाय ज्वेलरी फॉर चीनी इज़ वेडिंग। तो वहाँ किडनैप हो जाते हैं ये लोग ना, कुछ गूंज जाके किडनैप कर लेते हैं इनको। तो कैसे मुझे पता लगता है और मैं आता हूँ बचाने के लिए इनको, तो वही सीन चल रहा है। बहुत शॉकिंग है एब्सोल्युटली, क्योंकि वही उसकी मॉम है, इमली है, तो बहुत कंसर्न है बेचारा। तभी दम वो कुछ भी करके फटाक से आता है, वो पुलिस को चकमा दे के ऐसा। चलिए जाते जाते आपको बता देते हैं कि ये जो गुंडों का हमला हुआ है, ये और किसी ने नहीं बल्कि अथर्व के परिवार में से ही किसी ने करवाया है, जो अथर्व और उसकी माँ को मारकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना चाहता है। या एब्सोल्युटली चीनी की ही गलती है, जो ऑलरेडी उसका प्लान होता है, उसने एक प्लान हैच किया होता है। तो पर पता लगता है कि ये किसी और ने, मतलब आकाशन किया ने, उन लोग के गूंज ने भिजवाए होते हैं कि मुझे और मॉम को भी अगर ख़त्म कर देंगे तो सारी प्रॉपर्टी उसके पास हो जाएगी। सो वो प्लान रहता है। मुंबई से रोशनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।